दोस्तों, प्रकाश पर्व व्यतीत हो गया। गुरु नानक का प्रकाश पर्व हम सब ने बहुत उत्साह से मनाया और अपने अपने हिसाब से गुरु नानक को याद किया। पूरे भारत देश में कल छुट्टी थी। मैंने अपने कल के उद्बोधन में कहा था कि आप गुरु नानक से क्या सीख सकते हैं, आप गुरु नानक से क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकाश पर्व व्यतीत होने के बाद आप गुरु नानक की शिक्षाओं को किस तरह से ग्रहण करते हैं। इसके पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आपने गुरु नानक से क्या सीखा और गुरु नानक की कौन सी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए मन बनाया है, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि मैंने गुरु नानक से क्या सीखा और मैंने कल प्रकाश पर्व पर क्या प्रण किया। दोस्तों, यह बहुत आवश्यक है कि मैं जब दूसरे के अंदर झांकने की कोशिश करूं, उसके पहले अपने अंदर झांक के देखूं कि मैं किस स्तर पे हूं और मैं सच में गुरु नानक से क्या सीखना पसंद करता हूं। गुरु नानक का भंडार तो अथाह भंडार है। उसके अंदर आप जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही अपने आप को रिक्त पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये तो हम अमूढ़ हैं जो ये जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, मगर गुरु नानक को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिसने पूरे दुनिया में गागा के ईश्वर को पाया, उन्होंने शब्दों को गाया और ईश्वर को पाया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने गुरु नानक से क्या सीखने की तमन्ना की है, प्रण किया है। पहला है गुरु नानक का जो महान श्लोक है, किरत करो वंड छको ते नाम जपो। मैं अपने कामों को और अच्छी तरह से करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी अपने कार्य नहीं करता हूं, पर मैं अपने कार्य को और निष्ठा से करूंगा। मैं जो कमाऊंगा उसे बांट कर खाऊंगा और हमेशा ईश्वर का नाम लूंगा। ईश्वर का नाम लेने से मतलब यह है जो मैंने आपको कल बताया था कि मैं अच्छे कार्य करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि दूसरों के अंदर एक अच्छी भावना पैदा हो। किसी के मन के अंदर अच्छी भावनाओं का पैदा होना भी ईश्वर के नाम को जगाने जैसा ही है। यह तो हो गई पहली चीज जो मैंने गुरु नानक से सीखी। दूसरी चीज जो मैंने गुरु नानक से एक और चीज सीखने की कोशिश की कि मैं कण कण में भगवान को विद्यमान मानूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी सिद्ध स्थल पर जाऊंगा तो ही मुझे ईश्वर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं कोई क्रियाकलाप करूंगा तो ही ईश्वर मिलेगा। मैं अपने चारों तरफ ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। ईश्वर मेरे माता पिता के अंदर विद्यमान है, ईश्वर मेरे परिवार के अंदर विद्यमान है, ईश्वर मेरे अच्छे कर्मों में विद्यमान है, ईश्वर मेरे समाज के अंदर विद्यमान है, ईश्वर मेरे मित्रों में विद्यमान है। सिर्फ बात यह है कि मुझे उसे पहचानना है और मैं पहचानने की चेष्टा करूंगा। मैं आडंबर से दूर रहकर मैं ईश्वर को पहचानूंगा, मैं ईश्वर को पहचानने की चेष्टा करूंगा। कल ऐसे ही एक छोटी सी वाक्या कल हुआ, जब मेरी बेटी जो कि खुद मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छा बोलती है, कल उसने ईश्वर को पहचानने की चेष्टा की। कल हमारा मन यह था कि इंदौर में खालसा कॉलेज में दीवान सजाया जाता है। कोरोना काल में दीवान सजाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया, हर तरह की एहतियात बरती गई और घरों से निकाला गया लोगों को कि बहुत दिन से लोग घर में दिक्कतों में हैं, क्यों ना वो खालसा कॉलेज में आकर भगवान के दर्शन करें, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि संगत में बैठ के ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगत जब तक आपकी नहीं है आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो कल हमने ये सोचा कि चलो आज सब लोग चलते हैं, माता जी को भी ले जाना है, 85 साल की माँ है, पूरा एहतियात बरत के उनको भी ले जाना है, बेटा है उसको भी ले जाना है, बेटी जो है मनाली से वापस लौटी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको भी ले जाना है। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे शायद नहीं जाएंगे। मैंने दोनों को कहा कि इतने बजे हमको निकलना है घर से खालसा कॉलेज के लिए। बेटी तो तैयार हो गई, बेटा तर्क वितर्क करने लग गया। बेटे ने कहा कि जब आप खुद कहते हो कि इस भगवान यहीं पर है, हर जगह भगवान है, तो हमें इतनी दूर क्यों जाना। बात तो सही है, हमें इतनी दूर क्यों जाना,
और गुरुद्वारा जाना एक आडंबर है, और मैं, मेरे को कुछ और कार्य है, मैं भगवान को यहीं याद कर लूंगा, ये तर्क वितर्क उसने कुछ किए। तब मेरी बेटी ने उसे समझाया कि हर चीज को तर्क वितर्क की कसौटी से नहीं कसा जाता। यदि आपके पिता को अच्छा लग रहा है कि हम सब आज गुरुद्वारे चले और भगवान के आगे माथा टेक कर इस दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करके आए, तो उनकी खुशी के लिए तुम चलो, अपने पिता की खुशी के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए तुम चलो, इसमें तुम्हारा क्या खराब हो जाएगा। और ये विचार, और यकीन मानिए, मेरे बेटे ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और वो इमीडिएटली तैयार हो गया। मेरी बेटी ने भगवान के दिन उसको एक अच्छी शिक्षा देकर अपना फर्ज निभाया, गुरुद्वारे के अंदर जाकर और वहां पर माथा टेकने के बाद कीर्तन के सामने बैठकर सर हिलाने से अच्छा है कि यदि हम किसी को कोई अच्छी शिक्षा दे पाए। और उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरा बेटा हमारे साथ गया, हम सब अपने सब एक दूसरे के साथ गए और जाके हमने वहां भगवान के आगे माथा टेका और इमीडिएटली वापस आ गए, क्योंकि कुछ भी कहें, पेंडेमिक चल रहा है और माताजी 85 साल की हमारे साथ थी। पर इस बात को करने का यहां पर मेन मुद्दा यह है कि जो बच्चा हमारे साथ जाना नहीं चाह रहा था, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए हमारी बेटी ने ऐसा तर्क दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बड़ों की वचन के लिए, आपको अपने बड़ों की इच्छा पूर्ति के लिए कभी कभी अपने मन को मारना पड़ता है, पर यदि उनसे उनको खुशी मिलती है तो वो भगवान की सच्ची पूजा है। वो सच्ची पूजा नहीं है कि आप हाथ में लेकर ग्रंथ को बैठे रहो और एक घंटा करते रहो और अपने माँ की तरफ ध्यान नहीं दो, अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं दो। तो गुरु नानक ने मुझे यही सिखाया कि ईश्वर हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, ईश्वर हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ईश्वर उस बेटी के रूप में उपस्थित हुआ जिसने अपने भाई को सही राय दी, भाई के अंदर ईश्वर आया जिसने उस राय को माना, और हम सब अपनी माँ को लेकर गुरुद्वारे दर्शन करने गए, क्योंकि माँ का मन करता है कि बच्चे साथ में जाएं तो वो भी जाएंगे। माँ को अपने ब्याज को देखकर, अपने मूलधन को छोड़ के ब्याज को देखकर बड़ा मन करता है। तो मित्रों, गुरु नानक से आपने क्या सीखा, ये आप अपने मन से पूछिए। पूरे वर्ष भर आप क्या करेंगे, ये अपने मन से पूछिए। पर जो मैंने सीखा वो मैंने आपके सामने बताया। यदि आप इसमें से कुछ भी ग्रहण कर सकें तो मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ मानूंगा। ये जो मेरा अभियान चल रहा है अच्छी बातों को प्रसारित करने का, ये अभियान हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। आज मुझे मेरी जो बहू हैं डॉक्टर गुरुदीप कौर चंडोक, वो देख रही हैं। दीपक श्रीवास्तव जी हमेशा की तरह मुझे देख रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वे गुरु नानक की बात सुनने के लिए आज यहाँ पर मेरे साथ इस पटल पर आए हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब गुरु नानक से सीख कर इस पूरे वर्ष में, जब इतनी खतरनाक महामारी चल रही है, इस पूरे वर्ष में अपने आप को संतुलित रखेंगे और प्रेम का संदेश सबके बीच में देंगे, जिससे सब सुखी हों, मैं भी सुखी रहूं, आप भी सुखी रहो। क्योंकि गुरु नानक ने कहा है, तेरे भाणे सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला। नानक का नाम जब भी लोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा भला। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11 बजे तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे। शुभ दिन।